हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कमा सेक्शन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट इट इज नोन एज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है कि जब प्राइस में कोई चेंज आता है उस चेंज के कारण जो है जो हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं उसमें भी चेंज आता है उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तब जो है हमारी डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। जब प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी चेंज होती है और जब क्वांटिटी चेंज होगी तो हमारी डिमांड क्या है मूव करेगी, तो उसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। लेकिन इसमें क्या चीज है कि इसमें अदर्स फैक्टर है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे। अदर्स फैक्टर्स में क्या क्या आता है, जैसे इनकम आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ गया, फ्यूचर में गुड्स की जो प्राइस चेंज होते हैं वो आ गया, मतलब एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइस ऑफ द गुड्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम पहले कर चुके हैं। अगर उन सब को छोड़ के सिर्फ जब प्राइस में चेंज आता है उसकी वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आएगा उसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो आपका वर्ड आता है मूवमेंट, एक आता है शिफ्टिंग। तो मूवमेंट और शिफ्टिंग में गाइस देखिए बहुत फर्क है। मूवमेंट का मतलब होता है कि उसी जगह से हल्का सा मूव करना, और जो शिफ्टिंग होती है वो पूरी पोजीशन को चेंज करना, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाना, उसको कहते हैं शिफ्टिंग। और मूवमेंट में होता है कि हम उसी जगह पे हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है तो आता है आपका मूवमेंट। ये तो हो गया मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब ये देखिए इसमें पहले आता है एक्सपेंशन इन डिमांड। एक वर्ड आता है आपका एक्सपेंशन, एक आता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज कब आएगा, डिमांड तभी इंक्रीज होगी जब आपका प्राइस जो है वो फॉल करेगा। तो प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस। अब ये देखिए इसकी ये डायग्राम बनी है, एक्स एक्सिस पे आपका आता है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे आपका आता है प्राइस। तो पहले जो है हमारा प्राइस यहां पे था पी पे, तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे इतनी। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, प्राइस फॉल हो गए, प्राइस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो यहां से ऐसे जा रहे हैं हम, तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुए क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो हमारी डिमांड कर्व क्या थी, पहले यहां पे थी ए पॉइंट तक, अब और आगे आ गई, तो क्या हो गया ये ए पॉइंट से मूवमेंट होगी उसकी बी पॉइंट तक, तो इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी वन, पी से पी वन में प्राइस फॉल हो गई, एंड क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू वन। देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो क्या हुआ, डिमांड कर्व में जो है डाउनवर्ड मूवमेंट हुई। अब देखिए सेकेंड आता है कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है डिक्रीज। तो डिमांड कब कम होगी, अब प्राइस और क्वांटिटी में तो देखिए इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब डिमांड में फॉल आएगा जब प्राइस राइज होगा, तो जैसे प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड जो है फॉल हो जाती है। ये हमारा डायग्राम है, पहले प्राइस था यहाँ पे तब हम इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब हमारा प्राइस क्या है इंक्रीज हो गया तो हम इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे, पहले यहां से लेके यहां तक थी अब यहां से लेकर के यहां तक है। तो क्या हो रहा है, हमारा कॉन्ट्रेक्शन हो रही है डिमांड में, डिमांड जो है हमने कम कर दी। तो पहले हमारा क्या था, डिमांड यहां थी ए पॉइंट पे, अब ये से क्या मूवमेंट हो गई इसकी बी तक। तो प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम पी टू पी वन ये, एंड क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम क्यू टू क्यू वन, यहां से यहां तक। देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए टू बी में क्या है, अपवर्ड मूवमेंट हो गई। ये तो हो गया गाइस आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब हम करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब देखिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व, व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। अब क्या है शिफ्ट इन डिमांड, क्या आता है कि
जैसे ही जो है अदर्स फैक्टर में चेंज आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आता है, उसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसमें क्या है, शिफ्टिंग मतलब तभी होगी जब अदर्स फैक्टर में चेंज आएगा, और मूवमेंट कब होगी, जब प्राइस में चेंज आएगा। जब मूवमेंट होगी तो अदर्स फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, और जब शिफ्टिंग होगी तो अदर फैक्टर जो है कांस्टेंट नहीं रहेंगे। अदर फैक्टर कौन कौन से, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, चेंज इन सीजन एंड वेदर, और भी अदर्स रीजन होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स में जब चेंज आता है तो हमारी डिमांड जो है वो उसमें मूवमेंट नहीं होती है, उसमें होती है शिफ्टिंग। अब देखिए शिफ्टिंग कैसे है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा शिफ्टिंग और मूवमेंट में क्या फर्क है। सबसे पहला आपका आता है इंक्रीज इन डिमांड, राइज इन द इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू एनी अदर फैक्टर अदर देन ओन प्राइस। जब आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है कमोडिटी की ड्यू टू एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर के कारण अदर देन ओन प्राइस। अब ओन प्राइस यहाँ क्या है, जो हम कमोडिटी खरीद रहे हैं उसके प्राइस के अलावा कोई भी अदर फैक्टर में जब चेंज आता है तो उसमें जो है हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ये प्राइस था, प्राइस तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज कहाँ आ रहा है, अदर फैक्टर में। तो पहले हम इतनी क्वांटिटी चेंज कर रहे थे, अगर अदर फैक्टर इंक्रीज हो रहा, सपोज अगर पर्सन की इनकम इंक्रीज हो गई तो उसकी क्या है, वो इतनी क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर देता है, तो क्या है डिमांड कर्व शिफ्ट होगी डी डी से D1 तक। ठीक है, तो ये होगी आपकी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग इस तरह से होती है, एक पोजीशन से कंप्लीटली छोड़ देना और दूसरी पोजीशन तक जाना। सेकेंड आता है डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू अ फॉल इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू एनी अदर फैक्टर अदर देन ओन प्राइस। डिक्रीज इन डिमांड कब होएगा, जब हम डिमांड जो है कम करना स्टार्ट कर देंगे किसी भी अदर फैक्टर के चेंज आने के कारण, उसको कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इसमें देखिए डायग्राम ऐसे बन रहा है, प्राइस आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्वांटिटी हम पहले यहाँ तक डिमांड कर रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए क्योंकि किसी फैक्टर में जो है चेंज आ रहा है, इस करके हमारी जो है डिमांड में मतलब हमने डिमांड कम करना शुरू कर दिया, तो हमारा क्या आ रहा है शिफ्ट इन डिमांड हो रहा है, और वो शिफ्टिंग क्या आ रही है डिक्रीज इन डिमांड। तो पहले हम डी डिमांड कर्व डी से थी, अब डी से D1 तक शिफ्ट हो गया, मतलब ऐसे एरो करके, तो ये क्या है डिक्रीज इन डिमांड। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट ना करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।